आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्लेट को आप कैसे डिग्री में कटिंग कर सकते हैं। आपका कितना भी लंबा प्लेट हो, किसी भी डिग्री में आप बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो प्लेट को डिग्री में कटिंग करने के लिए आपको प्लेट का आपको चौड़ाई और लंबाई मालूम होना चाहिए, और आपको कौन कौन सा डायरेक्शन में कटिंग करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर आपको 30 डिग्री में कटिंग करना है, जैसे इधर से यहाँ तक आपको 30 डिग्री में कटिंग करना है, या 45 डिग्री में कटिंग करना है, या यहाँ से और आपको यहाँ तक का डिग्री में ऐसे कटिंग करना है, 45 डिग्री या 30 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी डिग्री में आपको कटिंग करना है, या आपको सेंटर से कटिंग करना है, सेंटर दोनों हाफ हाफ डिग्री में कटिंग करना है 45 डिग्री, तो सेंटर से आपको सबसे पहले इसका जो फार्मूला है मैं आपको बता देता हूँ। सेंटर से आपको अगर कटिंग करना है तो सेंटर आप ऐसे मार्क कर लेंगे, ऐसे कितना है 300 है, तो आप ऐसे 150 पे मार्क करेंगे, मार्क करके इसका सेंटर लाइन मार देंगे ताकि, और सेंटर मार के आपको अब जितना भी डिग्री में कटिंग करना है या सेंटर से एक साइड कटिंग करना है आपका, पहले मैं फार्मूला निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए, इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये देखिए, आपको मान लीजिए कितना डिग्री में कटिंग करना है, मान लीजिए 30 डिग्री में कटिंग करना है, तो देखिए 10 डिग्री, और आपको ये माइंड में रखना है कि आपको इधर से इसका चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको चौड़ाई आप देख सकते हैं, इसका चौड़ाई 139 है, तो इसका चौड़ाई 139 है, 10 डिग्री बराबर आपको इसका चौड़ाई कितना है 139 है, तो 139 इंटू 139 बराबर आपका 80 mm आपका कटिंग होगा किधर, ये आपको यहाँ से आपको कितना आएगा 80 mm, इधर से आपको इधर मारेंगे और आप ऐसे मार करेंगे एक ऐसे, तो ये आपका 30 डिग्री परफेक्ट कटिंग आ गया, ये 30 डिग्री हो गया। और आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि आपका ड्राइंग के हिसाब से, अगर ड्राइंग में आपको दे रहा है यहाँ पे, मान लीजिए इधर आपको 50 mm पे दे रहा है 60 डिग्री में कटिंग करने के लिए, तो आपको इसको कटिंग करने के लिए सबसे आपको ये ध्यान देना है कि हमारा प्लेट किधर से कितना दूरी तक कटिंग दे रहा है, तो ये आपको माइंड में रखना है। और देखिए, तो इधर से 50 mm दे रहा है और आपको डिग्री दे रहा है, मान लीजिए 60 डिग्री दे रहा है, तो देखिए ये कितना चौड़ाई आपका कितना दे रहा है 50 mm दे रहा है, तो आपका ये देखिए 60 डिग्री में कटिंग करना है या 45 डिग्री में करना है, तो मान लीजिए 60 डिग्री में करना है, तो 60 बराबर इनटू आपको कितना दे रहा है ये चौड़ाई 50 mm, तो 50 आपका कितना आया 86 mm आपका ये निकल के आ गया। तो 86 आप इधर 86 मारेंगे तो आपका ये आपका 86 हो गया, और इसको मार के ये स्ट्रेट एक लाइन मार देंगे ताकि बराबर आएगा, इसको ऐसे मार के, और आप ऐसे मार आपका ये 86 ये क्रॉस मारेंगे तो आपका ये डिग्री के आ जाएगा। तो आपको ऐसे ये आपका कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया, ये आपका 60 डिग्री हो गया। तो ऐसे अगर आपको प्लेट से अगर इधर दे रहा है कटिंग करने के लिए, या आपको सेंटर से मान लीजिए सेंटर टू सेंटर कटिंग करना है, तो आप ऐसे ही मान लीजिए 45 में सेंटर टू सेंटर आपको कटिंग करना है, तो आपका ये कितना है 139 है, तो आपको 45 है तो 139 ही आएगा। तो अगर आपको ये सेंटर से सेंटर कटिंग, ये सेंटर से ये साइड है, या सेंटर से हाफ हाफ कटिंग करना है, तो हाफ इधर 139 के हाफ इधर मारेंगे और 139 के हाफ इधर मारेंगे, और मार के जितना आएगा आप ऐसे क्रॉस मारेंगे तो आपका परफेक्ट कट के निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको ये अभी आपका ये दोनों लेंथ सेम आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कटिंग करना है, और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।